हालेलुया सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में और इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करने वाला हूँ जो आज तूफान चले हुए हैं हमारे यहाँ पर, हाई अलर्ट कर रखा 3 दिन का, और जो तूफान चल रहे हैं आइए मिलकर प्रार्थना करें कि नुकसान ना होने पाए। हम कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस तूफान को वहीं का वहीं थमा दे। जिस तरह पवित्र वचन पवित्र बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु मसीह और उसके चेले नाम में थे तो क्या हुआ, एक तूफान आ गया, इतना बड़ा तूफान आ गया, इतना बड़ा तूफान आ गया कि लहरें इतनी ऊंची ऊंची हो गई थी, लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन क्या हुआ, वहां पर किस्ती उनके टूटने पर थी, जो किस्ती में थे वो किस्ती टूटने पर थी, और उससे बढ़कर क्या कि उनके किस्ती में पानी भरने लग गया था। जैसे लहरें आती थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती थी, वो सारा पानी आकर उस किस्ती में जा रहा था, उसे टकरा रहा था पानी। लेकिन वहाँ उस किस्ती में प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, लेकिन चेले डर गए। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उस तूफान को शांत कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उस तूफान को शांत कर दिया। और ऐसे याद परमेश्वर इस तूफान को शांत करने वाले का है, आमीन। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि गुजरात में बता रहे थे गुजरात में तूफान पहुँचने वाला है, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह लोगों की हानि ना होने पाए, जो परमेश्वर में लोग उनकी हानि न होने पाए। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरे पिता जो आपको पुकार रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी हानि न होने पाए, आपके लोगों की हानि न होने पाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। देखने वाले परमेश्वर प्रभु, जो भी इस प्रार्थना सुन रहा है, चाहे वो मसीह है चाहे वो मसीनी है, इनकी कोई भी हानि ना होने पाए, इनकी हानि ना होने पाए, इनकी हानि ना होने पाए। जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, चाहे प्रभु में है चाहे प्रभु में नहीं है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको जो भी तूफान से वजह से आपकी घरों की हानि ना होने पाए, आपकी दुकानों की हानि ना होने पाए, आपके साधनों की हानि ना होने पाए, आपके घर की हानि ना होने पाए, आपके पशुओं की हानि ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, और पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। और राजाओं राजा, प्रभुओं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, तूफान को शांत कर दो मेरे पिता। आपने मेरे पिता समुंदर को 2 फाड़ कर दिया था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसा ही यहाँ पर चमत्कार कर दे मेरे पिता। ओ रबसला खरा बनावा, मूसा ने लाठी को लगाया, लाठी को लगाते सर ही वो क्या हो गया, समुंदर 2 फाड़ हो गया, वो समुंदर 2 पाड़ हो गया मेरे पिता। पर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग से बारिश बरसा दी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता ये तूफान थम जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके लोगों की हानियां न होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके रक्षा करें मेरे पिता, इनके परिवार की रक्षा करें मेरे पिता, इनके घर की रक्षा करें, इनके माल डंगर की रक्षा करें, इनके पशुओं की रक्षा करें, इनके घर की, इनके बिजनेस की, इनकी दुकान की रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और निश्चय परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं, निश्चय आपकी हानि हटाई जा रही है, आपकी हानि हटाई जा रही है, आपकी हानि हटाई जा रही है। मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के परिवार के लोग हैं जो घर से दूर काम कर रहे हैं, और रबसा लखर बनामा, देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से उनके कुछ हानि ना होने पाए मेरे पिता, उनके कुछ भी हानि ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, उनकी कोई भी हानि ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस तूफान को थमा दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये तूफान शांत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये तूफान शांत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों की रक्षा करें मेरे पिता, अपने लोगों की रक्षा करें मेरे पिता, स्वर्गदूतों को भेजो मेरे पिता। आपके नाम से ये तूफान शांत होने पाए मेरे पिता, ये तूफान थम जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, अब मैं बता दूं कि 18 तारीख तक इन्होंने हाई अलर्ट कर रखा है, और बहुत ही जगह पर मुंबई में बहुत बुरा हाल हो रखा है, और बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत बड़ा, उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से उन्होंने बोला है, 150 की स्पीड से उन्होंने बताया कि तूफान आने वाला है। और आपको पता है कि क्या क्या होता है 150 की स्पीड पर, और उससे स्पीड बढ़ भी सकती है। लेकिन आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर
रक्षा करने वाले हैं, जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाले हैं, आप मसीह लोगों की रक्षा करने वाले हैं। ओ रबा साला खराबा नम्मा, आज आप प्रार्थना करें कि उन मसीह भाइयों के लिए जो प्रभु में हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के नाम से उनको कोई भी हानि ना होनी पाए तूफान की वजह से, और बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इस देश में ये तूफान ये थम जाए परमेश्वर के नाम से, ये तूफान हट जाए परमेश्वर के नाम से, ये तूफान का रुख बदल जाए परमेश्वर के नाम से, ये तूफान शांत हो जाए परमेश्वर के नाम से। और निश्चय आप लोग भी प्रार्थना करते रहें क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है आपके जीवनों के अंदर। सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, इस तूफान को परमेश्वर थमाने वाले हैं, और इस तूफान और रबसा लखा रवनामा इस तूफान के बंधन से आप आज़ाद होने वाले हैं प्रभु मस के नाम से। और निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, ये तूफान आप इनसे आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु मस के नाम से। आमीन।